आप लोगों में से कितने लोगों ने सुना है, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो? सबने सुना है। मैं ये मानता हूं कि अगर आपको कामयाब होना है तो आपको ये नहीं करना, इससे कुछ अलग करना होगा। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू गांधी जी, मैं उनसे एग्री नहीं करता। क्यों, इतनी बड़ी बात मैं बोल रहा हूं यहां पर कि मैं उनसे एग्री नहीं करता। क्यों नहीं करता एग्री? आप लोग कुछ सेकंड्स के लिए अपनी आंखें बंद करेंगे। आंखें ये जो नाक के थोड़ा सा ऊपर होती है, ठीक है। अब जो मैं कहूंगा ना वही करना है, वही करना है। डोंट थिंक अबाउट योर मदर। प्लीज अपनी मम्मी के बारे में मत सोचना। खबरदार अगर यहां किसी ने भी अपनी माता जी के बारे में सोचा, और अपनी मां की जो फोटोग्राफ है ना वो बिल्कुल आंखों के सामने नहीं आनी चाहिए। क्या हो रहा था भाई? कितने लोग अपने फादर के बारे में सोच रहे थे? मैं कह रहा था मत सोचना, मत सोचना, फिर भी आप वही सोच रहे थे। देखो यहां पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज सामने आ रही है कि हमारा माइंड कैसे काम करता है। हमारा माइंड वर्ड्स में नहीं सोच सकता, वो सिर्फ इमेजेस में सोचता है, पिक्चर्स में सोचता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोल रहा हूं टेररिस्ट, क्या आया माइंड में? कुछ इमेज आई? कसाब, ओसामा बिन लादेन। कोई वाइफ तो नहीं बोल रहा ना? भाई बहुत पिटाई होगी घर जाके। ऐसी ऐसी इमेजेस आती है माइंड में। मदर टेरेसा, क्या आया माइंड में? अच्छी सी इमेज आई, पीस, राइट? जुप्ता, कुछ आया किसी के माइंड में? जेड एक्स वाई, कुछ आया किसी के माइंड में? जेड एक्स वाई, कुछ आया किसी के माइंड में? नहीं आया। मतलब कि हमारा जो माइंड है वो अल्फाबेट्स में नहीं सोच सकता, वर्ड्स में नहीं सोच सकता, वो सिर्फ और सिर्फ पिक्चर्स में सोचता है, पिक्चर्स में। यानी कि सिर्फ बोलने से या सोचने से कुछ नहीं होता कि आसान है मुश्किल है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर जो हम करना चाहते हैं उसकी इमेज हमारे माइंड में अच्छी बनी हुई है तो वो हमें आसान लगता है काम, अगर बुरी बनी हुई है तो मुश्किल लगता है। तो मैं कहता हूं बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। अगर ये नहीं करना तो क्या करना है? बहुत सिंपल है, इसकी जगह पे बोलना है अच्छा बोलो, अच्छा देखो और अच्छा सुनो।